शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से। हम माँ जी के लिए पानी लेकर आते हैं। माँ, मैं हूँ ना यहाँ आपके साथ, आपको कुछ नहीं होगा। टाइम आ गया, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा और तो साथ नहीं दे सकती। ये क्यों बोल रही है? मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। बेटा, डॉक्टर नहीं, मुझसे वादा करो, मुझसे वादा करो बेटा। कैसा वादा माँ? कारी, कारी है ना, कारी की सब कुछ मैं थी, मेरे बाद तू वो क्या क्या? आप ये क्या बोल रही हैं? कोरिया के लिए नहीं, आप हैं उसके साथ। बेटा, मुझे तो जाना ही है, पर मैं इस दुनिया में से अकेला नहीं छोड़ सकती। तू वादा कर, तू कारी का हाथ थाम लेगा, कारी का हाथ थाम लेगा। वादा करो, तुम कारी से शादी करोगे? वादा कर बेटा। माँ, मेरी शादी हो चुकी है श्रद्धा के साथ, मैं ऐसे अब? बेटा, मुझे पता है कौरी तुम्हारा बहुत ध्यान रखेगी, तुम्हें बहुत खुश रखेगी। कौरी, उससे शादी कर ले बेटा। नहीं माँ, मैं श्रद्धा को नहीं छोड़ सकता हूँ। अपनी मरती हुई माँ की इतनी बात नहीं मानेगा बेटा। बात मान ले माँ। इतनी देर हो गई है, अभय अभी तक आए क्यों नहीं? जरूर माँ जी ने ही कुछ किया होगा जिसकी वजह से अभय घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे होंगे। क्या करूं? मैं जानती थी आप जरूर आएंगे, मगर आपने इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ अभय, आप ऐसे चुप क्यों हैं? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अभय, अंदर चलिए चलिए। मैं तुम्हें लेने नहीं आया, तुम्हारा सामान लौटाने आया हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप अभय? मैं हमारा रिश्ता आज से अभी से खत्म करता हूँ। ये क्या बोल रहे हैं आप अभय? हिम्मत कैसे हुई अभय हमारे रिश्ते को खत्म करने की? किसने हक दिया है आपको कि आप हम दोनों की जिंदगी का फैसला अकेले ले लें? किसने हक दिया आपको, बोलिए? उसकी माँ ने। आपने कहा और हम मान लेंगे, हमारा रिश्ता इतना कमजोर नहीं है कि आप अकेले फैसला ले लें और हमारा रिश्ता टूट जाए। मेरा बेटा वही करेगा जो मैं उसे कहूंगी। और आज से तुम मेरे बेटे की नजरों में उसकी पत्नी नहीं रही, और बहुत जल्द ना कानून की नजरों में भी नहीं होगी। अरे, जब उसकी पत्नी ही नहीं रहोगी तो ये दिखावा मंगलसूत्र का किसके लिए? नहीं, मैं आपको अपना सुहाग छीनने नहीं दूंगी। नहीं, अबे अबे रोकिए ना, अबे रोकिए ना, अबे अबे चुप क्यों करें?
हे पापा, ऐसा सपना अभय अभी तक आए क्यों नहीं है? अभी मौका है हमारे पास अपने शादी के उस रजिस्ट्रेशन के पेपर को ढूंढने का। कहाँ रखा होगा इसने? कहाँ छिपाया है इसने? क्यों नहीं रहा? जी को कुछ नहीं होने देंगे, वो ठीक हो जाएंगी, है ना अभय जी? माँ कैसी है? मिस्टर त्रिपाठी, एक डॉक्टर होने के नाते मैं चाहे कुछ भी कर लूं, लेकिन कैंसर की स्टेज पर सारी दवाइयां काम करना बंद कर देती हैं। आई एम सॉरी। आप कहना क्या चाहती हैं? नहीं, माँ जी को कुछ नहीं हो सकता। अब जो बोलेंगी, जैसा बोलेंगी, वैसा ही इलाज होगा माँ जी का। देखिए, फिलहाल तो इनका इलाज है मन की शांति, इसलिए वो जो चाहती है, जैसा चाहती है, उन्हें वो दीजिए। भाई ऐसा ना हो कि उनकी कोई भी इच्छा। बस, एक डॉक्टर होते हुए आप कैसी बातें कर रही हैं? अपने आप को संभालिए अभय जी। कैसे संभालूं? माँ जो चाहती है वो मैं उन्हें दे नहीं सकता, और मैं आपको ऐसे तड़पता हुआ भी नहीं देख सकता। लगता है भाई आ गए। अभय अभी तक आए क्यों नहीं है? मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ, अगले 7 दिनों में मैं अभय को तुमसे और पूरे परिवार से अलग कर दूंगी। नहीं, मैं अभय को फोन करके ही पूछ लेती हूँ। होती तो ये सब कुछ नहीं होता। अब मैं सबको कैसे समझाऊं कि तुम मेरी सिर्फ जीवन साथी नहीं बल्कि मेरी जिंदगी हो? वही जो मां मांग रही है वो मैं, वो आप उन्हें नहीं देंगे अभय जी। उन्हें मना कर दीजिए। ये बात सच है कि ना जाने कब से माँ जी ही हमारा पूरा परिवार रही है, इसलिए उनको डर है कि जाने के बाद हमारा ख्याल कौन रखेगा। लेकिन उनकी इज्जत गलत है। थैंक यू गौरी, तुमने मेरे मन से बाहर उठा दिया। श्रद्धा जी की जगह लेने के लिए तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। हम माँ जी को समझाइए ना, वो मान जाएंगी। तुमने देखा नहीं, माँ मेरी बात सुन कहाँ रही है? ठीक है, हम बात करते हैं उनसे, समझाने की कोशिश करते हैं।
थैंक यू भगवान जी, बस कोरी माँ से बात कर ले और उन्हें मना ले तो ये बात यही खत्म हो जाए। खत्म कर देंगे ये झूठा रिश्ता हम, धक्के मार के तुम्हें घर से बाहर निकालेंगे गुलाल। बस तुम एक बार होश में आ जाओ, फिर देखना। हमें ना अपनी शादी का पेपर मिल गया तो तुम अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। निकल जाओ हमारे घर से, दफा हो जाओ। छोड़ो मैं, छोड़ो बुला पेपर। ई दो कौड़ी का चिंदी कागज हमको निकाले रहा ई माइल से तो कहीं नकल वकल करके पास हो रहेगा तुम? अरे तनिक नजरिया घुमाई देख तो लेती कि पेपर असली है या नकली। अरे असली कागज तो हम ऐसा जगह छिपाई रहे कि ना तुम्हारा हाथ पहुंच सके, ना तुम्हारा दिमाग, ना तुम, ना तुमरी हमरी दोनों की प्यारी राज तुलारी श्रद्धा पहुंच सके। मैं आ रही हूँ आपके पास, मेरा दिल कहता है कि आप मुझे याद कर रहे हैं। रिक्शा, रिक्शा, भैया पास के चौक वाली गली में जाना है, जल्दी चलिए प्लीज। गौरी एक बार माँ से बात कर ले, फिर उनके इलाज में ध्यान दूंगा। गौरी की बात माँ टाल नहीं पाएगी, गौरी देखना मना लेगी माँ को। गौरी माँ ने क्या कहा? ये लीजिए सिंदूर भाई जी, हमारी मांग भर दीजिए। क्या हुआ भैया? मैडम लगता है इंजन में कुछ गड़बड़ हो गई है, आपको उतरना पड़ेगा। भैया ऑटो को भी अभी खराब होना था, इस वक्त तो मुझे कोई ऑटो मिलेगा भी नहीं। हम क्या करें मैडम जी, गाड़ी का कोई भरोसा नहीं होता, तभी बंद पड़ जावे। अब इंजन को ठीक करने में भी थोड़ा समय लगेगा। मेरे पास तो बिल्कुल समय नहीं है, मुझे किसी भी हालत में अभय के पास पहुंचना है। अभय किसी मुसीबत में है। तुम्हें मुसीबत खत्म करने भेजा था, ना कि भड़ाने। समझ में भी आ रहा है क्या मांग रही हो मुझसे? अभय जी, माँ जी के पास बिल्कुल भी समय नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो सिर्फ लाल रंग समझ के ही डाल दीजिए। अभय जी, श्रद्धा जी ही आपकी पत्नी है,
हम उनकी जगह कभी नहीं ले सकते, लेकिन माँ जी के खातिर हमें ये नाटक करना होगा। माँ, आप बाहर क्यों आए? आराम से, यहाँ ये, आइए। माँ जी, गौरी, गौरी, बेटा, तुझे अपनी मरती हुई माँ की कसम है, गौरी की मांग भर दे बेटा। गौरी की मां, गौरी की मां बढ़ती बेटा, तुझे अपनी बढ़ती मां की आखिरी बात मान ले। उसके बाद मैं ये नहीं कर सकता। बेटा, बेटा, माँ जी, तुम क्या बच्चे? तुम बच्चे देखिए माँ जी की तबीयत बहुत बिगड़ रही है। माँ जी के लिए भर दीजिए हमारी मांग, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। Thank you.
तुम्हें चुनौती देती हूँ, अगले 7 दिनों में मैं अभय को तुमसे और पूरे परिवार से अलग कर दूंगी। सिंदूर कोई मजाक नहीं है और ना ही अभय और मेरा रिश्ता। अभय सिर्फ मेरे पति, सिर्फ मेरे, और चाहे कुछ भी हो जाए अभय और मेरे रिश्ते के बीच में कोई नहीं आ सकता। किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।